कब तक चलोगे भाई? बस थोड़ी देर और, एक भी सवारी मिली तो चल देंगे। आधा घंटा हो गया भाई, कब चलोगे? अंकल अकेले ही जाना है तो पूरी टैक्सी कर लीजिए ना, कुछ काम करके कमाने आते हैं हम। हाँ तो कमाने के लिए तो मैं भी आता हूँ, सब कमाने के लिए ही निकलते। लो आ गए, चलो। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे फ्लाइट पकड़नी है आपको। अभी तुम क्या बोले थे, एक भी सवारी आएगी तो ले चलोगे, बोले थे ना तुम? मालूम है मुझे तुम लोगों का, एक एक करके 11 सवारी बिठा लोगे तुम। हाँ आइए आइए। बैठे बस। चलिए भैया लाइए पैसे। ये लो। अरे खुल्ले दो यार, सारा खुल्ला तुम ही को दे देंगे तो दूसरे को क्या देंगे? ये लो ये लो ये लीजिए आपका 50। अरे हम बैंक है क्या, हम कहां से लाएंगे खुल्ले? हम दोनों के हैं। ये लीजिए, पान खाने के भी खुले पैसे नहीं है हमारे पास। आप एक देवास देना भाई। बताइए, ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है जीवन में, इसे कहते हैं जले पे नमक छिड़क। अरे हम कहां से लाएंगे इतने खुल्ले? अरे भैया लाखों की गाड़ी है तुम्हारे पास, 2000 रुपए के खुल्ले नहीं है? ये लीजिए, ये पकड़िए, पकड़िए, अरे ये लीजिए, ये लो। लाखों की गाड़ी में से 1800 का मिरर और 200 आपके देवास तक के। अरे भाई उल्टी बात मत करो, रखो अपना मिरर, नहीं है मेरे पास खुले। चेक कर लीजिए, इधर उधर कहीं रखा हो। अरे हाँ बाबा, चेक करके ही बोल रहा हूँ। मुझे इस रूट में एक दो लोग ऐसे मिल ही जाते, पहले ही बड़ी मुश्किल से सवारी मिलती है, ऊपर से ऐसे लोग मिल जाते, सारा धंधा चौपट। देखिए अंकल, अगर नहीं है पैसे तो उतार दूंगा। अरे ऐसे कैसे उतार दोगे, पैसे दे तो रहा हूं ना मैं तुम्हें। अरे अंकल आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे पूरा 2000 का नोट मुझे ही दे रहे हैं। यार तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे तुम्हारा सब कुछ लूट रहा हो। मैडम हमारे लिए 200 रुपया बहुत होता है, आपके लिए कुछ नहीं होता होगा। अच्छा एक काम कीजिए, उनके पैसे भी आप ही दे दीजिए। अरे मैं क्यों दूं, तुम्हारा मैटर है, तुम हल करो। मैं अपने पति के मैटर में नहीं बोलती, तो आप तो फिर भी ड्राइवर हो। चलिए अंकल उतरिए। बेटा यहाँ रात का वक्त है, यहाँ तो कोई दूसरी टैक्सी भी नहीं मिलेगी अभी। बस यही होता है साहब, इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू, लेकिन आज नहीं। उतरिए। दिमाग खराब है क्या? चलो चलाओ टैक्सी। आप तो बोलेंगे ही ना आपको जल्दी घर जाना है। अरे सुनसान एरिया है, बुजुर्ग आदमी है, अकेला है, कुछ हो गया तो
आप भी उतर जाइए, दो हो जाएंगे। मैं क्यों उतरूं, मैंने तो पूरे पैसे दिए। तो इनके भी दे दीजिए। अरे तो दे दीजिए ना, अभी हम आगे उतर जाएंगे तो दूसरी सवारी मिल जाएगी, खुले पैसे भी मिल जाएंगे। भैया बस यही उतार दो। चलिए। गेट लगा लो भैया। भैया वो आदमी देखो, दिख रहा है क्या? सवारी है लगता है। भाई रोको, तुम एक तरफ रोको। चलिए छोड़ देते हैं। कहाँ चलिए? आपके घर छोड़ देते हैं, चलिए। अरे यहाँ बगल में घर है हमारा। चलिए चलिए, आप चलिए, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अरे चलो भाई। भाई वो देखना, वो सवारी लगता है सवारी ही है। अंकल सवारी होती तो हाथ देती। अरे लेकिन इतनी तेज चलाओगे तो कैसे हाथ देगा? अभी तो आपको जल्दी जाना था, अब क्यों? भाई तुम भी तो कुछ बोलो, तुम तो आराम से बैठे हो। अरे तो आराम से बैठा हूँ तो क्या परेशानी है इसमें? हाँ परेशानी तो मुझे है ना, पैसे तो मेरे गए। अंकल आप 200 रुपए के चक्कर में अपना बीपी हाई कर रहे हैं। मुझे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। अभी 200 रुपए के चक्कर में थोड़ी देर पहले तुम परेशान थे। अरे क्यों बहस कर रहे हो उससे, उसको अपनी गाड़ी चलाने पर फोकस करने दो ना। हाँ मुझे बहस करने का शौक है ना। एक बात बताओ, सवारी नहीं मिलेगी तो छुट्टे पैसे कैसे मिलेंगे? अरे मैं दे दूंगा आपके पैसे। कब दोगे, कैसे दोगे? अरे आप अपना कार्ड दे दो, मैं सुबह खुद आपके घर आकर पैसे दे के जाऊंगा। आगे यहां रोक देना। चलिए। अंकल आपको भी तो यहीं उतरना था ना। हाँ तो फिर मैं इनके साथ जाऊंगा। मेरे साथ क्यों जाओगे? मैंने कहा ना आपको पैसे दे दूंगा मैं। एक काम कीजिए,
2000 का नोट मुझे दीजिए। जब आप मुझे 200 रुपये दे देंगे मैं आपका 2000 रुपये दे दूंगा। 200 रुपये के लिए 2000 रुपये मांग रहे हो? ऐसा होता है क्या? क्यों भाई, मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा है क्या? इसीलिए कह रहा हूं कि मैं आपके साथ जाऊंगा। तुम चलाओ गाड़ी, चलो। अंकल, आपने 200 रुपये दिल पे ले लिए, वहां से आने में कम आपके 50 रुपये खर्च हो जाएंगे। लौटने में मेरे 199 रुपये खर्च हो जाएं, फिर भी मैं इनके साथ जाऊंगा। सलाह बैल मुझे मार, ऐसी कहानी हो गई मेरे साथ। इसमें क्या है? कुछ नहीं है। चलो यही दो मुझे। अरे तो अरे ये क्या है? आप तो चिंदी चोरी पर उतर आए। हाँ मैं चिंदी चोर हूँ, समझे? चलो दो। अरे सुनो सुनो सुनो, कुछ नहीं है इसमें। आपके ये, काम का ये क्या है? हैं? क्या है इसमें? शराब है। चलो दो दारू। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? तो पूरे महीने भर का स्टॉक है मेरा, तो मैं क्या करूं? अरे 200 रुपए के लिए तुम कुछ ज्यादा ही कीमत नहीं ले रहे हो? ए भाई रुकने जरा। हाँ बस अब मैं यहां से पैदल चला जाऊंगा। सर छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आप अचानक से प्रेम चोपड़ा लगने लगे, समझ से परे हैं बिल्कुल। हाँ मैं समझ रहा हूँ, ये मुझे बदमाश समझ रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं इनके पैसे नहीं दूंगा। हाँ लग रहा है। मैंने आपकी मदद करते वक्त कुछ नहीं सोचा था, ना कोई हिसाब किताब लगाया था। आपकी समस्या दूर हुई, आप निश्चिंत हो गए। आप मोबाइल देख रहे थे, हम परेशान थे। आप बाहर झांक कर हवा का आनंद ले रहे थे, हम यहाँ परेशान थे। हमारी नींद उड़ी हुई थी और आप हल्की नींद का झोंका ले चुके हैं, इसीलिए मैं आपसे नफरत करने लगा हूं। अब ये बोतल मैं ले जाऊंगा ताकि आपको तकलीफ हो। मुझे माफ करिए पर मैं आपके जैसा उतावला नहीं होता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं आपका पैसा दे दूंगा, इसलिए मैं शांत रहता हूं। आप बेशक बॉटल ले जाइए, मैं कल सुबह आऊंगा, आपके पैसे देकर अपनी बॉटल वापस ले आऊंगा। एक काम कीजिए, 200 रुपये की दीजिए, 200 रुपये की दे दीजिए मुझे। ग्लास है तुम्हारे पास? है ना, ये लीजिए। थैंक यू। आप पी रहे हैं तो एक पैक मैं भी बना लेता हूं। जैसी आपकी मर्जी। एक ग्लास और है? है ना सर। चीयर्स। सर छोटा मुंह बड़ी बात, अगर 100 रुपये की मुझे भी मिल जाती तो आप दोनों को घर तक छोड़ाऊंगा। ड्राइवर अकेले अकेले पी रहा है,
इससे मुझे कुछ सामंतवाद की बू आ रही है। क्यों ना हम लोग एक एक कॉल ले लें? जैसा आप कहें। ठीक, हाँ। चेयर्स। चेयर्स। अरे यार तुम, एक तो तुम नीचे की बात मत करो, ऊंचाइयों की बात करो। सही है, सही है। हाँ। क्या बात करें, वाह क्या। अरे मालूम भी है इंटरनेशनल गेम क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? रसिया और यूक्रेन, मुझे लग रहा है इन दोनों के युद्ध में नेपाल का हाथ है। नेपाल? हाँ। फिर पाकिस्तान क्यों चुप है? चुप नहीं है यार, वही तो है जो रसिया की आर्थिक मदद कर रहा है। हाँ। और करता जा रहा है। हाँ। सही समझे? हाँ सही बात, बिल्कुल सही बात। जाने दो यार, अपन को क्या करना।